सो हाय एवरीवन, यूजीसी नेट के सभी एस्पिरेंट्स को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही मेजर फेमिनिस्ट क्रिटिक है वर्जीनिया वुल्फ, इनके जो फेमिनिज्म पर्सपेक्टिव से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, हम उनको आज बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। वर्जीनिया वुल्फ की अगर हम बात करें तो एक मॉडर्न राइटर है, मॉडर्न क्रिटिक है, और 1882 में इनका बर्थ होता है, 1941 में इनकी डेथ हो जाती है। और अगर वर्जीनिया वुल्फ की हम बात करें तो एक बहुत ही फेमस एक डिवाइस है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इसको यूज करने में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। मतलब इसको डेवलप किया है वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस, एक आयरिश राइटर है जेम्स जॉयस, इन्होंने अपने वर्क्स में बहुत ज्यादा यूज किया है। अगर पूछा जाए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के पायनियर ऑथर कौन है जिन्होंने सबसे ज्यादा अपने वर्क्स में यूज किया है, तो वो है ये वर्जीनिया वुल्फ और दूसरा जेम्स जॉयस। और एक खास बात और, जेम्स जॉयस क्या है, सेम डेट है दोनों की, बर्थ डेट और डेथ जो डेट है इनकी सेम है। 1882 में ही जेम्स जॉयस पैदा हुआ था और 1941 में उनकी डेथ हो जाती है। वो आयरिश ऑथर है जेम्स जॉयस, राइट। तो अब हम बात करते हैं वर्जीनिया वुल्फ की। वर्जीनिया वुल्फ के फादर का नाम है लेस्ली स्टीफन, लेस्ली स्टीफन इनके फादर का नाम था, और वो भी एक बहुत अच्छे राइटर थे। तो इनको इंस्पिरेशन मिली घर से ही, ठीक है, एक राइटर बनने की। और वैसे इनको स्कूल में नहीं भेजा गया था, तो इसका भाई जो है वो स्कूल में जाता था, इसकी हम बात करेंगे आगे। वर्जीनिया वुल्फ ने अपने एक बहुत ही फेमस वर्क है इनका, ए रूम ऑफ वन्स ओन, उसमें बात भी की है इसे। तो इनकी शादी हो जाती है किसे, लियोनार्ड वुल्फ से, लियोनार्ड वुल्फ से इनकी शादी होती है, ठीक है। और इनकी खुद की प्रेस भी थी, उनकी प्रेस का नाम था होगार्थ प्रेस, होगार्थ प्रेस। और इनके मोस्टली जो वर्क्स है वो पब्लिश किए हैं इन्होंने इसी होगार्थ प्रेस में ही, वर्जीनिया वुल्फ की। और एक और इंपॉर्टेंट की फैक्ट याद रखना, ब्लूम्सबेरी ग्रुप, इन्होंने फाउंड किया है वर्जीनिया वुल्फ ने और लियोनार्ड वुल्फ ने इसको फाउंड किया है, ब्लूम्सबेरी ग्रुप को। इसमें कुछ क्रिटिक आए, कुछ मेंबर्स थे ब्लूम्सबेरी ग्रुप में, जैसे कि क्लाइव बेल है, ईएम फोस्टर है, लिटन स्ट्रेचे है, और वर्जीनिया वुल्फ है, लियोनार्ड वुल्फ है, ये इसके मेंबर है। इनके मेंबर्स प्लीज एक बार याद कर लेना, ठीक है, ब्लूम्सबेरी ग्रुप के मेंबर चेक कर लेना। वैसे मैंने आपको ऑलरेडी जो जिस टाइम पे वर्जीनिया वुल्फ एज ए राइटर हमने पढ़ा था, तब मैंने आपको सारी चीजें लिखवाई हुई क्लास में, ठीक है, और नोट्स जो दिए थे उसमें भी वो सारी चीजें हैं। सो वर्जीनिया वुल्फ की अगर हम बात करें तो ये एक होमोसेक्सुअल राइटर, ठीक है, होमोसेक्सुअलिटी पे भी इन्होंने अपने जो वर्क्स हैं जैसे कि मिसेस डेलोवे है उसमें भी कुछ एलिमेंट्स मेंशन किए हैं, ठीक है। और इनकी जो पार्टनर थी उनका नाम था वीटा सैकविले वेस्ट, वीटा सैकविले वेस्ट, ये इनकी जो पार्टनर है उनका नाम है वीटा सैकविले वेस्ट, राइट। अब ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे इनके बारे में। अब हम इनके वर्क्स की बात करते हैं जो फेमिनिज्म में, यानी कि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिस्टर बेनेट एंड मिसेस ब्राउन, प्लीज राइट द टाइटल, मिस्टर बेनेट एंड मिसेस ब्राउन, फेमिनिज्म में आता है ये वर्ड। इसमें मिस्टर बेनेट कौन है, ये आर्नोल्ड बेनेट, आर्नोल्ड बेनेट। अभी आर्नोल्ड बेनेट के ऊपर क्यों लिखा है इन्होंने, क्योंकि आर्नोल्ड बेनेट ने वर्जीनिया वुल्फ को क्रिटिसाइज किया है जब इन्होंने एक वर्क लिखा था, वर्जीनिया वुल्फ ने, जैकोब्स रूम के नाम से एक वर्क लिखा है वर्जीनिया वुल्फ ने।
तो उसका जब रिव्यू किया इस राइट इसने आर्नोल्ड बेनेट ने, तो उसमें इसको क्रिटिसाइज किया, उसमें बोल रहा है कि इसके जो कैरेक्टर है वर्जीनिया वुल्फ के जो कैरेक्टर है वो सर्वाइव नहीं कर पाए। ठीक है, अगर कैरेक्टर सर्वाइव नहीं कर पाए तो कैसे आप एक अच्छी राइटर बन सकती। तब उसने रिप्लाई किया है इसमें आर्नोल्ड बेनेट के ऊपर, इसने रिप्लाई किया है। ठीक है, इसको जब एक्यूज किया गया था कि उसकी राइटिंग के लिए कि उसके जो कैरेक्टर है वो सर्वाइव नहीं कर पाए थे, तो यहां वुल्फ ने प्रिमाइस दी थी, एड्रेस किया है कि उसने मॉडर्निज्म को शुरू होते हुए देखा है। ठीक है, बिल्कुल मॉडर्निज्म की शुरुआत होने देखी है। और एक फ्रेज है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट इन और अबाउट दिसंबर, दैट इन और अबाउट दिसंबर 1910 ह्यूमन कैरेक्टर चेंज्ड, ये लाइन है इसमें। तो वर्जीनिया वुल्फ क्या बोलती है कि मैंने मॉडर्निज्म की जो शुरुआत होते हुए देखी है और मॉडर्निज्म की शुरुआत में मैंने कैरेक्टर्स जो है वो बदलते हुए देखे। ठीक है, यहां पे सिर्फ वो कैरेक्टर्स के बदलने की बात नहीं कर रही है, वो उसने चेंजेस किसमें देखा है। एक तो पहली बात तो उसने ये क्लियरली बोला है कि जो ह्यूमन कैरेक्टर जो चेंज हुआ है वो ये नहीं कि एकदम से चेंज हो गया। ठीक है, जैसे कि हमने बगीचे में फूल उगाए हैं और घर के अंदर जाके हम बाहर आते हैं, हम देखते हैं कि फूल जो है, मतलब वो जो पौधे उगाए उनके फूल आ चुके हैं, ऐसा तो नहीं है कि एकदम से चेंज हो गया। ये धीरे धीरे चेंज हुआ है, ये ग्रेजुअल चेंज है। और चेंज किसमें हुआ है, सिर्फ ह्यूमन कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ, ह्यूमन रिलेशन में चेंजेस आए हैं, ह्यूमन रिलीजन में चेंजेस आए हैं, पॉलिटिक्स में भी चेंजेस आए हैं, लिटरेचर और आर्ट्स में भी चेंजेस आए हैं, ऐसा बोला है वर्जीनिया वुल्फ ने। आगे वुल्फ ने अपनी जो आर्ग्यूमेंट है उसको डेवलप किया है थ्रू द एग्जामिनेशन ऑफ टू जनरेशन ऑफ राइटर्स। और ये दो जनरेशन के राइटर्स कौन कौन से थे, इसमें एक तो ये इस आर्नोल्ड बेनेट के बारे में बात कर रहे हैं। इसने टू जनरेशन, कौन सी दो जनरेशन की बात की है, एडवर्डियन जनरेशन एक तो फर्स्ट, एडवर्डियन एंड जॉर्जियन। एडवर्डियन पीरियड जो है वो शुरू होता है 1901 से 1910 तक है, जब एडवर्ड सेवंथ किंग था इंग्लैंड का। ठीक है, लेकिन बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया गया था जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की शुरुआत होती है, तब तक का ये टाइम माना जाता है, उसके बाद जॉर्जियन पीरियड शुरू होता है। तो इसमें आर्नोल्ड बेनेट को कंसिडर किया है, इस उसको एडवर्डियन जो पीरियड है इसमें रखा है, किसने, वर्जीनिया वुल्फ ने। राइट, इतना समझ आ गया। ठीक है, और ये मिसिस ब्राउन है, इसका नहीं पता, ये कोई अनोनिमस लेडी है और इसके थ्रू अपने व्यूज जो है वो डिलीवर किए हैं वर्जीनिया वुल्फ ने। ठीक है, और इसमें बेनेट कौन है, आर्नोल्ड बेनेट। ठीक है, ये याद रखना, उसको शामिल किसमें किया है, एडवर्डियन राइटर्स में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इनका वर्क आता है ए रूम ऑफ वंस ओन। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, ए रूम ऑफ वंस ओन। इसकी डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जो याद करनी है, ए रूम ऑफ वंस ओन 1929। अब इसमें ये वुल्फ ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर डिलीवर किया था वुमेन एंड फिक्शन के नाम से। ठीक है, इस नाम से जो लेक्चर जो इन्होंने डिलीवर किया था उसी पे, उसी को फॉलो करते हुए ये वर्क लिखा है इन्होंने, वर्जीनिया वुल्फ ने। और इसमें वुल्फ ने क्या एग्जामिन किया है, वर्जीनिया वुल्फ ने एग्जामिन किया है कि हिस्टोरिकल जो डिसएम्पावरमेंट है जो वुमन को हर फील्ड में फेस करने को मिली है, चाहे वो सोशल स्फीयर हो, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे वो फाइनेंशियल का हो, तो हर जगह पे उनको पीछे रखा गया है, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है। ठीक है, और एक इसमें बहुत फेमस लाइन है, ए वुमन मस्ट हैव मनी, ए वुमेन मस्ट हैव मनी एंड ए रूम ऑफ वंस ओन एंड ए रूम ऑफ वंस ओन टू बी ए राइटर। अगर एक वुमेन को राइटर बनना है तो उसके पास खुद का एक कमरा होना, एक पैसे होने चाहिए। ठीक है, मनी तो जरूरी है ही है, उसके साथ साथ उसके
उसके पास रूम भी होना चाहिए, मतलब स्पेस होना चाहिए, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होना चाहिए। इस तरीके से एक वुमेन भी एक अच्छी राइटर बन सकती है, ठीक है। उसने आगे एग्जामिन किया है राइटर्स का जो फील्ड है, ठीक है, जो स्पेशली वुमेन राइटर्स है वो फेल्ड है। ऐसा क्यों है? वर्जीनिया वुल्फ खुद मानती है कि जो राइटर आई है, फीमेल राइटर रही है, वो फेल्ड रही है। क्यों? बिकॉज लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि उनके पास इतने सारे रिसोर्सेज नहीं थे, जैसे कि उनके पास धन नहीं था, उनके पास खुद का स्पेस नहीं है, खुद का घर नहीं है, कमरा नहीं है, ठीक है। तो ये रिसोर्सेज उनके पास नहीं है और अपॉर्चुनिटीज उनको नहीं दी गई, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उनको। जैसे लड़के स्कूल में जाते हैं, ऐसे लड़कियों को नहीं मिलती, बाहर नहीं भेजा जाता उनको पढ़ने के लिए। ऐसा ही उन्होंने कुछ राइटर्स के एग्जाम्पल दिए हैं, उनकी लाइफ के बारे में बात की है, ठीक है। और वो कौन कौन से राइटर है? सबसे पहले जॉर्ज एलियट, मैरी एन इवांस, ये तो वैसे फेमस हुई है राइटर ये, लेकिन ये हुई कैसे? क्योंकि इन्होंने मेल स्यूडोनेम यूज किया, ठीक है। उसके अलावा जो लास्ट में हमने बात की थी, ब्रोंटे सिस्टर्स, तूफानी बहने हैं ये, ब्रोंटे सिस्टर्स हो गई। और किसकी बात की है? एक जॉर्ज सैंड है, जेन ऑस्टन की भी बात की है। जेन ऑस्टन के अलावा एफ्रा बेल और एन फिंच की बात की है, एफ्रा बेल की बात की है। एफ्रा बेल को वैसे फर्स्ट प्रोफेशनल वुमन राइटर कंसीडर किया जाता है, रेस्ट्रेशन पीरियड से आती हैं ये एफ्रा बेल, जिन्होंने एक बहुत फेमस वर्क लिखा है ओरोनो, और सबटाइटल है जिसका द रॉयल स्लेव, पढ़ना चाहिए आपको, बहुत अच्छा वर्क है, ठीक है। तो अब आगे क्या बोला है उसने, कमेंट्स किया है वुमेन के लैक ऑफ फ्री एक्सप्रेशन पे, कि वुमेन में भी कमी रही है, कि उनमें क्या कमी है, कि उन्होंने फ्री एक्सप्रेशन नहीं दिए अपने वर्क्स में, ठीक है। जो आइडियाज थे उनके वो एज इट इज उन्होंने नहीं रखे। और इसके अलावा जब एक वुमेन सोचना शुरू करती है, आगे वो एड ऑन करती है इसमें, जब एक वुमेन सोचना शुरू करती है, मान लो उसके दिमाग में कोई भी आइडियाज आते हैं, तो फिर क्या होगा, आइडियाज आ गए तो उसके दिमाग में, जैसे वो आइडियाज आता है तो एक गार्ड है जो उसके ऊपर वो रूल सप्लाई कर देता है। वो गार्ड कौन होते हैं? जैसे उस वुमेन के या जो भी लेडी है उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो रूल अप्लाई कर देंगे उसके ऊपर कि ऐसे नहीं करना है, वो नहीं करना है, बाहर नहीं जाना है, तो रूल सप्लाई करेंगे, तो वो क्या होगा, वो गिव अप करना शुरू कर देगी धीरे धीरे, क्योंकि उसको पता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो उसके दिमाग में जो आइडियाज है वो छोड़ देती है, उसको गिव अप कर देती है, ठीक है। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और है इसमें, जुडिथ शेक्सपियर। ये वाला कैरेक्टर इन्वेंट किया है वर्जीनिया वुल्फ ने ए रोम ऑफ वन्स ओन में, और इसके बारे में क्या बोला है कि अगर विलियम शेक्सपियर की कोई बहन होती, जुडिथ शेक्सपियर, इसने इन्वेंट किया, नाम दिया है उसको, तो क्या वो इतनी ज्यादा पॉपुलर हो पाती जितना शेक्सपियर हुआ है? आपका भी जवाब होगा कि नहीं हो पाती, क्योंकि उस टाइम पे इतनी अपॉर्चुनिटीज वुमेन को नहीं मिलती थी। उस टाइम तक क्या मॉडर्न टाइम तक ही नहीं मिल रही थी? तो शेक्सपियर तो एलिजाबेथन एज से आते हैं, तो उस टाइम तो बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी, इवन वुमेन को स्टेज पे परफॉर्म करने की अनुमति नहीं थी, ठीक है, क्योंकि जो वुमेन के रोल है वो कौन अदा करते थे? मैन, डिस्गाइज करके, ठीक है। शेक्सपियर के प्ले में आपने ये सब पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसको वो ये जो जुडिथ शेक्सपियर है, ये सेम जो जीन्स है उसके साथ पैदा हुई थी, लेकिन उसको पोजीशन वो नहीं मिल पाई, ऐसा बोला है इसने। तो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, और अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो वो स्कूल नहीं जा पाई। शेक्सपियर स्कूल जाता था, लेकिन शेक्सपियर के बारे में भी नहीं पता कि वो जाता था नहीं, लेकिन यहाँ पे मेंशन किया है उसने। अब इतना बड़ा राइटर हुआ है, इतने सारे प्लेज लिखे हैं और बहुत फेमस हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में तो गया होगा, लेकिन उसकी जो चाइल्डहुड है उसके बारे में नहीं पता। बहुत सारे क्रिटिक्स भी ये मानते हैं कि उसकी जो पेरेंटेज है उसके बारे में पता ही नहीं है शेक्सपियर के बारे में, ठीक है। तो अब
इसने जो कहानी बनाई है इसमें कि शेक्सपियर स्कूल जाता है तो शेक्सपियर ने बहुत कुछ सीखा होगा। अब इसकी बहन जुडिथ शेक्सपियर है, वो भी कोशिश कर रही है कि मैं भी स्कूल जाऊं, लेकिन उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी उसके साथ नहीं मिली। तो फिर क्या किया उसने, बोला कि मैं शादी नहीं करूंगी। अब शादी नहीं करेगी तो फिर घर वाले फिर गुस्सा हो गए, तो उसको फिर पीटा गया, ठीक है, उसको पीटा गया, घर पे रखा गया और उसकी जबरदस्ती शादी कर दी गई। अब इस टाइम पे शेक्सपियर क्या कर रहे हैं, शेक्सपियर खुद को एस्टेब्लिश कर रहा है, लेकिन उसकी शादी होने के बाद अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वो क्या करेगी, घर से भाग जाएगी। वो घर से भाग गई और भागने के बाद उसके दिमाग में आइडिया आया कि मैं कोई एक्टर बन सकती हूँ, ठीक है, इस तरह के कोई और काम कर सकती हूँ। तो उसकी फिर मुलाकात होती है किसी एक ऐसे इंसान से जो उसको बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा डायरेक्टर या एक्टर बनने में, लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं करता बल्कि उसका फायदा उठाता है, ठीक है, उसको सेड्यूस करता है, सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो एक तरीके से। तो इसका होता क्या है, फिर उसके साथ वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और उसके प्रेग्नेंट होने के बाद उसके पास क्या ऑप्शन बचता है, सुसाइड। तो वो लड़की फिर बाद में सुसाइड कर लेती है, जुडिथ शेक्सपियर जो है वो सुसाइड कर लेती है, और वहां पे उसको दफना दिया जाता है। आती जाती गाड़ियों के जो रोड के साइड में वहां से गाड़ियां आती आ रही है जा रही है, क्या हुआ अपॉर्चुनिटी। इसीलिए वर्जीनिया वुल्फ ने बोला है कि वुमेन इसीलिए राइटर्स अच्छी नहीं बन पाई, क्योंकि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ठीक है। ये सारी बातें उसने बोली है, एक स्टोरी बनाई है उसने जुडिथ शेक्सपियर की, विलियम शेक्सपियर के साथ जुडिथ शेक्सपियर की बहन थी, ये स्टोरी इन्वेंट की है इसने, ये फिक्शनल स्टोरी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इनका वर्क आता है फेमिनिज्म में, थ्री गिनीज। थ्री गिनीज 1938 में, ये भी एक ये नॉन फिक्शन है, इसमें जेंडर इनइक्वालिटी को एक्सप्लोर किया गया है और इंटरेक्शन की है विद एजुकेशन एंड वॉर के बारे में, कि कैसे वॉर्स को अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है, वुमेन की एजुकेशन के लिए कैसे फंडिंग की जा सकती है। और इसमें एक सोल्जर उसको मिलता है, एक सोल्जर है वो लेटर लिखता है और फिर वो इन बातों के जवाब मांगता है कि हाउ टू प्रिवेंट द वॉर, वॉर को कैसे टाला जा सकता है, और हाउ टू रेज फंड्स फॉर वुमेन कॉलेज, वुमेन की एजुकेशन के लिए, वुमेन के कॉलेज के लिए कैसे फंड जो है वो रेज किए जा सकते हैं, और कैसे एक वुमेन को प्रमोट किया जा सकता है काम के लिए, ठीक है, या कैसे प्रोफेशन में उसको प्रमोट किया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चंस उसने पूछे और उनके जवाब दिए हैं फिर किसने, थ्री गिनीज। वो फंड रेज खुद बोल रही है कि मैं डोनेशन कंडीशन रखती है अपनी कि तीन गिनीज, मतलब यहाँ पे गिनीज यहाँ कोई करेंसी से है कि मैं यहाँ पे फंड दे सकती हूँ, लेकिन इसकी शर्तें हैं, अलग अलग कंडीशंस बताती है कि ऐसे ऐसे होनी चाहिए, उसके बाद मैं जो फंड है दे सकती हूँ, जैसे कि इक्वालिटी होनी चाहिए वुमेन के लिए, ठीक है। तो इसमें मैन और वुमेन को भी उसने कंपेयर किया है और उसने रिजोल्व किया है उनके बीच के डिफरेंस, कैसे उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको खत्म किया जा सकता है रीडिंग एंड राइटिंग से, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको मिलनी चाहिए, अगर मिलेगी तो रीडिंग और राइटिंग से उसको खत्म किया जा सकता है। स्पेशली यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसमें बायोग्राफीज पढ़ के, बायोग्राफीज पढ़ के इसको, इस डिफरेंस को खत्म किया जा सकता है और वॉर को भी प्रिवेंट किया जा सकता है अगर हम सोल्जर्स हैं उनकी बायोग्राफी पढ़े तो, ठीक है। इसमें विल्फर्ड ओवन का एग्जाम्पल भी इसने दिया है, वर्जीनिया वुल्फ ने। तो इसने क्या बोला कि हम बायोग्राफीज पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है पेपर नेट एग्जाम में ये, ठीक है, क्या पढ़ के हम जो जेंडर डिफरेंसेस को खत्म कर सकते हैं। वर्जीनिया वुल्फ ने क्या किसके बारे में बोला है, बायोग्राफीज के बारे में, ठीक है। उसके बाद इसने वॉर को प्रिवेंट करने के लिए तीन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिए हैं, राइट प्रोटेस्ट लेटर टू मीडिया। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, राइट प्रोटेस्ट लेटर टू मीडिया, जॉइन पैसिफिस्ट ऑर्गेनाइजेशन,
ज्वाइन पैसिफिस्ट ऑर्गेनाइजेशन देन गिव मनी टू पैसिफिस्ट कोजिस। ये लिख लो पैसिफिस्ट कोजिस। ठीक है, ये तीन प्रैक्टिकल ऑप्शंस दिए हैं वॉर को प्रिवेंट करने के लिए, वॉर से बचने के लिए, कैसे वॉर से टला जा सकता है। ठीक है, तो ये है इसके बारे में, थ्री गिनीज के बारे में, और इसका एक वर्क है द ईयर्स, ये और ऐड कर लो, वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन ये इसके बारे में याद रखना। द ईयर्स जो है ये एक पार्गेटर कोई फैमिली है उसके बारे में है, ये नोवल ऐसे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज है, ये नोवल ऐसे, नोवल ऐसे। तो इसमें जो नॉन फिक्शन वाला पार्ट था, इसके बाद में दो टुकड़ों में इसको पब्लिश किया था, जो नॉन फिक्शन वाला पार्ट था वो थ्री गिनीज के नाम से पब्लिश हुआ था, और ये जो फिक्शन है वो द ईयर्स के नाम से। ठीक है, ये ऐसे इसको पब्लिश किया गया था, और बाद में 1977 में आई थिंक डेट यही होगी, उसको द पार्गेटर के नाम से भी इसको पब्लिश किया गया है बाद में, काफी बाद में पब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ये है वर्जीनिया वुल्फ के बारे में, अगर कुछ रह गया हो तो आप एक बार और देख सकते हैं, वैसे मैं आपको टाइटल बता देता हूं कोई रहता है तो। एक तो मॉडर्न फिक्शन है, ये भी इसी में आता है, मॉडर्न फिक्शन। ठीक है, मॉडर्न फिक्शन आता है 1921 में। उसके बाद मिस्टर बेनेट एंड मिसिस ब्राउन हो गया, 1924 में है। ठीक है, प्रोफेशन फॉर वुमेन, एक ये और लिख लो, प्रोफेशन फॉर वुमेन, प्रोफेशन फॉर वुमेन। ठीक है, देन उसके बाद ए रूम ऑफ वन्स ओन और थ्री गिनीज, ये वर्क है इनके, ये एसेज है जो फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फेमिनिज्म में आते हैं ये। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें इसको, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी तरह से मैं और लेक्चर्स जो लिटरेरी थ्योरी है उस पर बनाता रहूंगा। तो बाकी हमारा पूरा जो रिकॉर्डेड जो बैच है वो आपको मिल जाएगा, अगर आप इसको लेना चाहते हैं, जो नोट्स हैं वो खरीदना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। So, see you in the next lecture. Be safe, stay connected, best of luck, God bless you.